हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, एकदम फुले फुले पराठों की रेसिपी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया है और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी और मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च ली है, 1/2 इंच अदरक, धनिया पत्ती और ये लहसुन की पत्ती है, ये हमारी किचन गार्डन में लगी हुई है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं सभी चीज़ों को इसमें डाल दूँगी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सब बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको भूनूँगी। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया था, यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल डाला है सरसों का और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक आलू में से चिपचिपापन निकल ना जाए। आलू को भून के आप अच्छे से बनाएंगे पराठे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, बिल्कुल भी उबला उबलापन नहीं लगता है इसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर आलू भून के तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डालूँगी, इसको डालने से आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, पराठे बहुत ही अच्छे टेस्टी हो जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा आलू भून के तैयार है, ये देखिए कितना सूखा सूखा सा है ये। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी और थोड़ा ठंडा होने दूंगी। और इधर मैंने लिया है 3 कटोरी आटा, मैं यहाँ 4 लोगों के हिसाब से पराठे बना रही हूँ, इसी कटोरी से मैंने नापा है। और 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने मैदा लिया है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और 1/2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल दूंगी और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है, इसको भी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ भी मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको अच्छे से मोइन करने के लिए, जिससे हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और अब मैं इसे अच्छे से इसका डो बना लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर आटा हमारा रेडी है। चलिए अब इसकी पराठे बनाते हैं। तो मैं इसकी छोटी छोटी लोई काट लूँगी। और अब इसमें अच्छे से मैं आलू को फिल कर दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे मैं निकाल दूंगी, ना तो बीच में आटा बहुत ज़्यादा महसूस होगा। और अब मैं इसे साइड साइड से बेलना शुरू करूंगी, जिससे आलू हमारा सब तरफ हो जाएगा अंदर से। यहाँ मैंने तवे को गरम कर लिया था पहले से ही और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर सेकूंगी। ये देखिए, एक साइड से हमारा सेक चुका है और अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। घी में पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप चाहें तो सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड अच्छे से घी लगा दूंगी और ये देखिए, पराठा फूलना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से पराठा फूल गया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये हमारा पराठा बनके तैयार है, अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो ये देखिए, आलू के पराठे बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे
मैंने इसे टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया है। मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सभी तरफ पूरी तरह से आलू अंदर है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।